हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना किचन। गर्मी का मौसम आ गया है और हमें कभी ना कभी तो लस्सी पीने का दिल ज़रूर करता है। तो चलिए आज मेरे किचन में बड़ी आसानी से हम बनाते हैं ये मलाईदार और सुपर टेस्टी सी लस्सी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 250 ग्राम दही ले लिया है। ये मार्केट में जो दही मिलता है मैंने वही दही लिया है। मैं यहाँ पर 4 लोगों के लिए लस्सी बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम दही ले लिया है। इसके अंदर हम अपने स्वाद अनुसार शक्कर ऐड कर लेंगे। इसके साथ हम यहाँ पे 1/2 ग्लास दूध ऐड कर लेंगे और इसे हम फेंट लेंगे। आप चाहे तो इन चीज़ों को मिक्सर में भी फेंट सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का यूज़ करके फेंट रही हूँ। देखिए, हमें लस्सी बनाते समय इसके अंदर दूध ऐड करना है, लेकिन हम एक साथ पूरा दूध नहीं ऐड करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास दूध लिया था जिसमें से मैंने आधा डाल दिया था। अब देखिए, फेंटने के बाद भी ये दही थोड़ी गाढ़ी है तो मैं बचा हुआ दूध इसके अंदर और ऐड करती हूँ। मैंने नॉर्मल यहाँ पे रूम टेम्परेचर का दूध ले लिया है। आप चाहे तो ठंडा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमें इस तरह से इसे फेंटते रहना है। आप इस तरह से लस्सी बनाएंगे तो बिल्कुल दानेदार बन के तैयार होगी और पीने में एकदम सुपर मलाईदार टेस्टी लगेगी। ये देखिए, आपको इस तरह से इसे फेंटना है। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक इसके अंदर की शक्कर पूरी तरह से घुल ना जाए। आप चाहे तो पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो हमारे किचन में अवेलेबल होती है वो चीनी ली है। बस आप इसे अच्छे से फेंटते रहिए जब तक कि आपकी चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए, मैं आपको एक चम्मच से दिखा देती हूँ कितनी दानेदार हमारी लस्सी बनके तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये प्लेन पसंद है इसलिए मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड नहीं किया है। देखिए, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से 2 कूलर रखे हैं। अब हम इसके अंदर इसे सर्व करते हैं। दही की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको जितनी पतली चाहिए या जितनी गाढ़ी चाहिए उस तरह से आप लस्सी को बना लीजिए। ज़्यादा पतली करनी हो तो आप उसके अंदर दूध ऐड कर दीजिए, लेकिन मुझे मीडियम लस्सी अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा दूध ऐड नहीं किया है। ये देखिए, और इसके ऊपर से आपके पास अगर फ्रेश मलाई रखी हो तो आप वो डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे वेनिला आइसक्रीम का यूज़ किया है। इसी के साथ हम थोड़े से किशमिश ऐड कर लेंगे। आपके आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं। देखिए, तो बन के तैयार है आपकी सुपर टेस्टी मलाईदार लस्सी। एकदम ईजी तरीके से आप ये मलाईदार लस्सी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए।